इमाम जो है वो खुतबा ख़त्म कर रहा हो तो लोग मस्जिद में आ रहे होते हैं और फिर बहुत जल्दी निकलने की होती है। इमाम के मिंबर पर बैठने से कबल मस्जिद में आने का रुझान पैदा करना चाहिए। फरमाया गया कि जो शख्स जुमातुल मुबारक में सबसे पहले आता है उसको एक ऊँट ज़बह करने का सवाब नसीब होता है, जो उसके बाद आता है उसको एक गाय ज़बह करने का, फिर एक बकरी, और जब इमाम मिंबर पर बैठ जाता है फिर रुफ़ेल कलाम कलमे उठा ली जाती, फिर उसके बाद आम जो सवाब है वही मरतब होता है, वो जो ख़ास सवाब है अव्वलियत का वो फिर उठा लिया जाता है। इसलिए कोशिश करें, मैं समझता हूँ इसमें हमारे खुतबा का भी बहुत कसूर है कि बाज़ का मिंबर से कोई मरबूत गुफ्तगू नहीं मिलेगी, कोई मुनज़्ज़म कलाम नसीब नहीं होगा और कोई बा मकसद बात लोगों तक नहीं पहुँचाई जाएगी तो लोगों की दिलचस्पी नहीं होगी, लोग फिर देर से आएंगे। एक तो ये बात भी है, लेकिन दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ अमूमी तौर पर इज्तिमाई रवैया यह है कि मस्जिद में देर से जाने का फैशन, तो इस फैशन पर ना चले बल्कि इमाम और खतीब के मिंबर पर बैठने से कबल जितना वक्त गुजरेगा आके बैठ के तिलावत करते रहें, जिक्र फिक्र में मशगूल रहें, जितनी देर आपको इंतज़ार करना पड़े ये आपके लिए खैर बरकत का जरिया है, और फिर आएँ और पूरी गुफ्तगू सुने और उस गुफ्तगू का यकीनन नतीजा आपकी ज़िंदगी में मुरतब होगा। और अगर आप समझते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ और कोई आपको काम है तो शरीयत ने आपको इजाज़त दी है कि आप लेट भी आ सकते हैं, लेकिन इज़ा नूदिया लिस्सलात मिन यौमिल जुमुअत फ़सअ इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैअ, वो हुक्म दिया गया जब जुमे की अजान पुकारी जाए तो उसके बाद फिर आप कारोबार नहीं कर सकते, फिर कारोबार करना हराम हो जाता है आपके ऊपर। वज़रुल बैअ, फिर खरीदो फरोख्त छोड़ दो, फिर तुम चल पड़ो अल्लाह के जिक्र की तरफ, फिर तुम्हारे ऊपर लाजम है कि तुम जिक्र की तरफ चल पड़ो। तो इसलिए इस सहूलत से हमें फ़ायदा हासिल करना चाहिए कि अगर हम खुतबा पहला छोड़ते हैं और दूसरी अजान ये अजान है जिसके बाद कारोबार करना हराम है, अजान सानी है, ये सहूलत के लिए पहला वक्त अजमियों के लिए है ताकि जो है वो उर्दू में या अपनी ज़ुबान में अजमी ज़ुबान में भी कुछ कलाम सुन सकें, तो इसलिए हमें ये सहूलत दी गई है, वो बहुत ज़रूरी काम हो। तो दीन सीखने का ये कितना खूबसूरत मौका है, हर जुमे आपको किसी न किसी मौजू पर एक खतीब लेक्चर देता है, बात सुनाता है, और एक मौजू पर मुख्तलिफ अहादीस पुरानी आयात को पढ़ के मुताला करके नतीजा निकाल के आधे घंटे में पौने घंटे में आप तक एक पूरा मैसेज डिलीवर करता है। तो इसलिए उसको भरपूर हासिल करने के लिए और अपनी नस्लों को दीन से जोड़ने के लिए ये इस्लाम आज भी बहुत सारे मशक्क़तें और बहुत सारी साजिशों के बावजूद ये कायम है, इसलिए कि इसने खूबसूरत हमें नज़म दिया है। महल्ले की सतह पर पंच गाना नमाज है, इलाके की सतह पर जुमा है, सालाना शहर की सतह पर दो ईद के इज्तिमा हैं और आलमी सतह पर आज का इज्तिमा है। तो ये एक नज़म है जो हमें दिया गया और ये हमें जोड़े रखता है और ये हमारी वहदत की अलामत है। अल्लाह ताला हमें पांच गाना नमाज की तौफीक अता फरमाए और एहतमाम के साथ नमाज जुमा की तौफीक अता। एक हदीस में आता है जिसने तीन जुमे बगैर किसी उजर के तर्क कर दिए उसके दिल पर निफाक की मोहर लगा दी जाती है। अल्लाह हमें महफूज फरमाए व आखिर